स्वागत है आप सभी का मेरे को नए व्लॉग में। मेरा नाम मैंने सुनिए, आप देख रहे हैं गोकुल व्लॉग। सॉरी, ये मैं जो बोल रहा हूँ ये मैं बाद में बोल रहा हूँ, मैं सुबह भूल गया था बोलना, इसलिए मैं अभी ये बोल के अब डाल रहा हूँ। सबसे पहले बजने सवा पाँच बजने वाले। ये अपनी दो बस हैं, एक पीछे और एक ये, इसमें बैठते हैं। हाँ, अब ठीक है, अब तापमान कंट्रोल कर सकते हैं अपन। उरुले उरुले मोगल कंट्रोल कर लियो तो है, तू तो कंट्रोल में, हमारे चिंता मत कर। अब वर्कला और आगे बैठक जी जा रहे हैं। कितने 6 घंटे या नहीं 6 घंटे होते हैं, 5-6 घंटे लग गए। यह है बैठक जी। नहा भी लिए इतनी जल्दी? वड़क्कम वड़क्कम। तो अपन अभी आ गए हैं बैठक जी, और बज रहे हैं 4:30 और जा रहे हैं जनार्दन जी के मंदिर में। उसके बाद जाएंगे यहाँ के बीच में, पर यहाँ पे जो हरियाली है ना, सच में देख के आनंद आ गया, दिल खुश हो गया, बहुत मज़े आ गए। क्योंकि ऐसी हरियाली सच में, तो यहाँ पे ठंडी ही नहीं पड़ती, 8 महीने तो बारिश है, और 8 महीने बारिश है, 4 महीने गर्मी है। गर्मी भी ऐसी भयानक नहीं है, 40 या 42 डिग्री जाता है, और मिनिमम भी जो ठंड होती है वो 23-24 होती है करीब, और छोटी। और पर उसकी वजह हरियाली जो है ना, यहाँ हर जगह हरा हरा, मतलब क्या आनंद आते हैं सच में, बहुत बहुत ही ज़्यादा एटमोसफियर बहुत गजब है यहाँ का। क्या हाँ, वेलकम वेट फॉर सेकंड, आप हिंदी समझते हैं? नहीं भैया, अपन उधर कहीं आया, इडली खाने आया। अब वापस ये हमारी बस यहाँ पे रुकी हुई है, रेस पैरो। यहाँ सब उतार दिया है, क्योंकि यहाँ ऊपर का अलाउड नहीं है पहनने का। त्रेता युग में ब्रह्मा जी यहाँ समुद्र के किनारे यज्ञ किया विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए। विष्णु भगवान एक ब्राह्मण रूप में आके प्रसादी लेके ब्रह्मा जी को जनार्दन रूप में दर्शन दिया, वो रूप में यहाँ प्रतिष्ठा हो गया। उसके बाद समुद्र पूरा आके, पूरा जल आके, ये पूरा पुराना मंदिर समुद्र में गया। अच्छा, दूसरी 1000 वर्ष के पहले पांडे महाराजा को भगवान का विग्रह समुद्र से मिल गया, या मंदिर बना के भगवान को यह प्रतिष्ठा। 1000 ईयर्स ओल्ड सिस्टम है। अच्छा, यह हमारा पितरों के लिए काशी गया रामेश्वर सब जाके पितरों के लिए कार्य वो करता है, यह भी उसको बहुत मूल्य है।
समुद्र के किनारे सब पूजा करके भगवान को दर्शन करके जाता है, हमारा पितृ मोक्ष का मोक्ष होता है, हमारा वो बाल देना वो भी मोक्ष भी। ये कर्नाट मतलब मलयालम स्टाइल है, मतलब जो अपना अपन दक्षिण में जो प्रसिद्ध मंदिर है, मंदिर होते हैं जो गोपुरम के आकार के होते हैं, जो कि एक ऊपर एक इस तरीके से जो होता है बड़ा ठाकुर चित्र होते हैं चारों तरफ। यहाँ का और डिज़ाइन स्टाइल यहाँ का थोड़ा अलग है, इसलिए यहाँ पे वो ऐसा मंदिर नहीं मिलेंगे। जितने भी है दिख रहे हैं ये सब दिया है, और जो भी विशेष उत्सव है उत्सव उन पर सब दिए हैं, वो दीवार पर सब जगह दिया के वो है ये सब, तो इतने सारे दिया और कितना सुंदर दर्शन होता है वो। मीठा भात चावल मीठा पकौड़ा, अच्छा मीठा पकौड़ा को अपम बोलता है, उन्हें अपम अपम उन्हें अपम और पप्पू दाल वो भाव नहीं है, अच्छा खाली चावल इपड़ी बेरून सारा சாதம் பொங்க வச்சிருக்கோம், சாதம் பாயசம், பாயசம் பாயசம் பால் பாயசம் அப்படித்தான், பருப்பு அப்படியே உள்ள சம்பிரதாயம் கிடையாது. போஹோத் விஷால் ரக்ஷ வணக்கம் சே தமிழ்நாடு நான் வணக்கம் அப்ப மலையாளம் மேபி அம்மன் கதா சார் வணக்கம் மலையாளம் दोनों तमिल में वनकम। तो अपन यहाँ पे विजयनगर स्वामी के दर्शन किए थे, तो यहाँ पे जैसे उन्होंने बताया था ये ब्रह्मा जी ने तपस्या की थी, तब आप ठाकुर जी बता रहे थे तो वही स्वरूप जनार्दन स्वरूप में दर्शन किया था, तो वही आप विराज रहे हैं, और ये आप स्वयंभू स्वरूप हैं, आप पहले से प्रकट है, 2000 वर्ष पुराना ये मंदिर है, तो बहुत प्राचीन है, यहाँ से आचार्य जी भी पधारे श्री वल्लभाचार्य जी, इसलिए अपन भी यहाँ पे आए हैं और प्राचीन स्वरूप हैं विराज रहे हैं। और यहाँ पे दो प्रकार से अभिषेक होते हैं, एक सुबह 4 बजे और फिर दोपहर 10 बजे, तो 4 बजे अभिषेक के बाद दोबारा स्नान होते हैं, श्रृंगार होते हैं, और उसके बाद 2-10 बजे दोबारा अभिषेक होते हैं, दोबारा स्नान होते हैं, वो दोबारा आप श्रृंगार करते हैं, तो आप एक श्री कृष्ण रूप में बंसी बजाते हुए दर्शन देते हैं, भी आप दर्शन देते हैं नृसिंह रूप में दर्शन दे रहे थे, बिल्कुल बहुत सुंदर दर्शन हो रहा था। और जब आप जागते हैं तब आप बाल स्वरूप में होते हैं, ऐसे आप अनेक यहाँ पर अलग ही एक रीत है सेवा की प्रकार की। हमने बंडी पहन लिए, पर मैंने और हमारे काका जी उसका काका जी हम दोनों ने सोचा है कि हम नहीं पहने, क्योंकि यहाँ पे जो सच में जो ये मज़ा आ रहा है ना सच में पढ़ने में, केवल बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि एक तो गर्मी भी है और उसके अलावा अलग ही फीलिंग आ रही है, जैसे पहन महसूस हो रही है, स्वतंत्रता महसूस हो रही है सच में, सच में होने की एक ठंडी लगा वो है, ठंडी लगे ठंडी नहीं कती लगती।
तो श्री महाप्रभु जी यहाँ पे राजे हुए हैं, आपकी बैठक है, अभी मंगला को समय है तो मंगला होंगे। ये जनार्दन तीर्थ कहा जाता है, तो जनार्दन तीर्थ है तो यहाँ पे जैसे अपन ने कल जनार्दन स्वामी का अपने आप चरित्र देखा, तो आप यहाँ पधारे को के तीर्थ रूप है और आप यहाँ पे जो तामसी जी माने जो मतलब प्रसून की योनि में जो देवी जीव हैं, ऐसे आप तामसी जीवन के उद्धारार्थ आप यहाँ पधारें और जनार्दन स्वामी विराज रहे हैं, तो यासु आप ये तीर्थ स्थल करवे भी आप यहाँ पधारे हैं, आचार्य जी यहाँ पधारे हैं, आपने वहाँ पे जनार्दन स्वामी के दर्शन करके आप यहाँ विराजे हैं और आप श्री भागवत की पारायण कर रहे हैं, इतने में जनार्दन स्वामी जी पधारे हैं और आप वो रोज पधारते और आपके सन्मुख विराज के भागवत सुनते, तो एक दिन आप वहाँ श्रृंगार करने पधारे तो वहाँ पे यहाँ पे क्या सखड़ी भोग नहीं आती रहती, तो ठाकुर जी की इच्छा भाई के सखड़ी भोग धरो मेरे को, तो श्री आचार्य जी ने यहाँ सखड़ी भोग धरे, तो जब वो जनार्दन स्वामी आप आरोग्य लगे तो उनने कही कि आप भी मेरे संग बैठो, श्री आचार्य जी उनने कही कि आप भी मेरे संग बैठो और आपकी भी पतल लगे और अपन दोनों साथ में ले आए, और श्री आचार्य जी ने कही कैसे करें प्रभु के संग लेनी, पर उनकी आज्ञा है थी तो आज्ञा सर्वोपरि मान के आपने यहाँ विराजे और अपने साथ में आपने लियो भोजन, तो यहाँ जब वो यहाँ के जो पंडा आते मुखिया आते जब उन्हें ऐसा देखे दर्शन देखे तो वो मूर्छित हो गए, फिर श्री आचार्य जी पधारे, आचार्य जी ने श्री आचार्य जी फिर पधार के आपने जल छिड़के हो तो फिर होश में आए, त्रिवेंद्रम जा रहे हैं और फिर वहाँ पे पद्मनाभ स्वामी के दर्शन करके फिर वहाँ से आगे अपन जाएंगे कन्याकुमारी में, तो फिर वहाँ के भी अपन दर्शन करेंगे, चरित्र जानेंगे क्या है। हाँ तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे। ऐसे नहीं, आओ हटाओ, दोबारा करूंगा मैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।